डियर फ्रेंड्स, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक्स अबाउट ए लोकोमोटिव, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कल देखा था कि भाई जो हमारा लोको सॉरी जो रेसिप्रोकेटिंग मास है, उस रेसिप्रोकेटिंग मास के इनर्शिया की वजह से क्या होता है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि एक अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स जनरेट होता है। उस अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स को हमने पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने देखा कि वो पूरी तरीके से अगर आप बैलेंस उसको कर रहे हो तो जो बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग शेकिंग फोर्स पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में लग रहा था, तो बैलेंसिंग करने के बाद उसको बस हुआ क्या, वो बैलेंस नहीं हुआ पूरी तरीके से और उसका जो फोर्स है वो इस वर्टिकल प्लेन में ट्रांसफ़र हो गया था और कुछ नहीं हुआ था अनबैलेंस, ठीक है। तो हमने ये बोला था कि जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंसिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस होती है देन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। चलिए, अब हमने क्या किया था कि पार्शियल बैलेंसिंग की थी, और आपको पता है कि पार्शियल बैलेंसिंग में पूरे मास को हम बैलेंस नहीं करते हैं, पूरे अनबैलेंस्ड जो शेकिंग फोर्स है, शेकिंग फोर्स को पूरी तरीके से बैलेंस नहीं करते हैं। शेकिंग फोर्स कितना था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम पूरी तरीके से बैलेंस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते वो मैंने बता दिया, डिस्कस किया था, ठीक है। इससे उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये देखना कि अगर पार्शियल बैलेंसिंग करोगे तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा एक लोकोमोटिव पे। अब बोलोगे सर लोकोमोटिव पे क्यों, क्योंकि लोकोमोटिव में भी तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस होते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये पिस्टन है वो पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, तो उसके इनर्शिया की वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, अनबैलेंस्ड शेकिंग फोर्स जनरेट होगा। तो उस अनबैलेंस्ड शेकिंग फोर्स को आप पूरी तरीके से जब बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा एक लोकोमोटिव पे। तो वो इफेक्ट है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ते हैं, इट्स नेम इज हैमर ब्लो। क्या है, हैमर ब्लो। अब देखो ये हैमर ब्लो है क्या, हैमर ब्लो है क्या। अब अगर मैं उस दिन वाला डायग्राम बनाता हूँ, उस दिन वाला डायग्राम एक बनाता हूँ, तो उसमें क्या था, ये आपकी क्रैंक थी, यहाँ पर कुछ मास रखा था, इसके बैलेंस करने के लिए कुछ मास हमने यहाँ रखा था कि नहीं रखा था, और जैसे इसमें दो मास थे, एक तो पिन का मास था, मास ऑफ द पिन, और एक सी टाइम्स ऑफ द मास पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास टू बी बैलेंस, ठीक है, यही तो था। अब हमने क्या किया था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या रखा था, एक बैलेंस्ड मास रखा था, किसी बी रेडियस पर रखा था कि नहीं रखा था, बिल्कुल रखा था। अब ये जो बी बैलेंस्ड मास होता है ना, वो इसको भी बैलेंस कर रहा है और इसको भी बैलेंस कर रहा है, जिसको हमने एम सफिक्स सी बोला था, ये जो था मास एट कनेक्टिंग पिन, यही तो बोला था, जिसकी वैल्यू एम पी प्लस दिस थी। एक तो पिन, चूँकि पिन भी रोटरेट कर रही है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा और इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन होगा क्या कि जो अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी, इसको बैलेंस करने के लिए जो हमने यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर मास रखा है बी जो मास रखा है, वो बी मास क्रैंक पिन को भी बैलेंस कर रहा है और सी एम को भी बैलेंस कर रहा है। तो इस बी में तो दोनों मासेस आ जाएंगे कि इसको भी बैलेंस करने के लिए और इसको भी बैलेंस करने के लिए। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें उस वाले मास को कंसीडर करना है, बी में भी उस मास को कंसीडर करना है जो केवल और केवल इसको बैलेंस करेगा, ना कि इसको, इसको बैलेंस नहीं करेगा, वो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। अगर हैमर ब्लो की बात करेंगे, हैमर ब्लो क्या होता है कि ये बी में जो मास आएगा वो इसको भी बैलेंस करेगा और इसको भी बैलेंस करेगा। तो हम ये बोल देते हैं कि बी जो मास है वो एम सफिक्स एम मतलब वो मास जो कि रेसिप्रोकेटिंग फ्रैक्शन को बैलेंस करेगा, ठीक है, प्लस एक वो मास होगा एम पी एम बोल दें उसको, जो इस वाले मास को बैलेंस करेगा, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करेगा। तो होगा क्या कि देखो ये वाला पोर्शन जो एम पी एम है वो तो इससे पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन जो सी एम वाला पोर्शन मास है वो केवल इस डायरेक्शन में है, ये तो था इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हमने बैलेंस कर दिया इस वाले मास की वजह से, और जो भी रेडियस है इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है। लेकिन इस वाले मास का एक
वर्टिकल कंपोनेंट है जो इस प्लेन में लगता है, ये मास अभी भी अनबैलेंस्ड है, सॉरी ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज स्टिल इन अनबैलेंसिंग कंडीशन, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, तो इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि इसको बैलेंस करेगा केवल रेसिप्रोकल, यही याद रखना है, आप गलतियां करोगे, हमें केवल उस वाले मास को यहाँ कंसीडर करना है, इस जगह उस वाले मास को कंसीडर करके देखेंगे हैमर ब्लो में, जो केवल ये वाला मास है, टोटल को बी को नहीं कंसीडर करना है, समझ गए। चलिए, और ये एम पी एम वो वाला मास होगा जो केवल और केवल, जो केवल किसको बैलेंस करेगा, इस वाले को बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एम पी एम हो जाएगा, ठीक है, ओके, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला मास एम पी एम हो जाएगा। चलिए ये आपको याद रखना है। चलिए तो देखते क्या, तो हमने देखा कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम, जो वर्टिकल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है वो है एम एम बी ओमेगा स्क्वायर, अगर वो, अगर बैलेंसिंग मास बी रेडियस पर रखा गया है, ठीक है, तो एम एम बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कॉस साइन थीटा और साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंसिंग मास प्रोवाइडेड टू बैलेंसिंग द रेसिप्रोकेटिंग मास, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम सफिक्स एम बी ओमेगा स्क्वायर, इसी मैक्सिमम वैल्यू को हैमर ब्लो बोला जाता है, समझ गए। तो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स, वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जो एम एम बी ओमेगा स्क्वायर बना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो उस वाले केस में साइन थीटा वन हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी एम एम बी ओमेगा स्क्वायर, दैट जनरेट्स बिकॉज ऑफ द मास प्रोवाइडेड टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मास, ठीक है। तो बैलेंस रेसिप्रोकेटिंग मास का जो फ्रैक्शन सी एम था, इसको बैलेंस करने के लिए जो मास हमने प्रोवाइड किया है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हैमर ब्लो, समझ गए। इस हैमर ब्लो की वजह से क्या होगा, इस हैमर ब्लो की, देखो अभी अगर आप सामने से, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से, ये दो पटरियाँ, ये वाली आपकी पटरी हैं जिस पर आपका इंजन आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन क्या करेगा, ये वाला पोर्शन, अब ये इस वाले प्लेन में लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है वो इस वर्टिकल प्लेन में लग रहा है, इस वाले प्लेन में लग रहा है, एम आर ओमेगा इस वाले प्लेन में लग रहा है, तो एम एम बी ओमेगा स्क्वायर किस प्लेन में लग रहा है, इस वाले प्लेन में। तो हुआ क्या कि एक टाइम पे, एक बार तो हो सकता है ये ऊपर की ओर लगेगा, फिर नीचे की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, फिर नीचे की ओर लगेगा, ये रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि कितने पोर्शन पे रिवॉल्यूशन, ठीक है, देख रहे हो, तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब हम देख रहे हैं कितनी बार पॉजिटिव वैल्यू, कितनी बार नेगेटिव वैल्यू, देख लेंगे। तो इस प्लेन में लग रहा है, तो जब ये ऊपर वाले प्लेन में लगेगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस जो व्हील्स हैं, ये वाले व्हील्स, इन व्हील्स को लिफ्ट ऑफ करने की कोशिश करेगा, ये वाला कंपोनेंट जब ये ऊपर की ओर लगेगा तो इन वाले व्हील्स को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस में जब ये डाउनवर्ड लगेगा तो इस बॉडी का वेट एम जी भी नीचे लगेगा और ये वाला, सॉरी, हैमर ब्लो भी नीचे लगेगा, तो उस वाले केस में जो व्हील्स हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब ये हैमर ब्लो ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि हैमर ब्लो एक बार ऊपर लगेगा और मास, क्योंकि उसका वेट हमेशा नीचे लगता है, तो इस वाले केस में हैमर ब्लो ऊपर, एम जी नीचे, तो उस टाइम पे जो भी आपके व्हील्स हैं उन व्हील्स पर प्रेशर कम लगेगा या फोर्स कम लगेगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैमर ब्लो की वजह से जो व्हील होते हैं ना, वो व्हील्स रेल पर क्या करते हैं, डिफरेंट प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो जब एम जी और हैमर ब्लो डाउनवर्ड करेंगे, हैमर ब्लो दोनों डाउनवर्ड एक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा व्हील के द्वारा रेल पर, पटरियों पर, और जब एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा, वेट जो कि इंजन का वेट है, और ऊपर हैमर ब्लो लगेगा, तो उस वाले केस में मिनिमम प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, तो वेट
प्लस हैमर ब्लो, ये मैक्सिमम प्रेशर लगेगा व्हील्स पर, और वेट माइनस हैमर ब्लो, ये मिनिमम प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि एम जी की वैल्यू एच बी के बराबर हो, इस वाले केस में जब हैमर ब्लो ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, तो अगर एम जी एच बी के बराबर होगा और एच बी की वैल्यू हैमर ब्लो की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी इससे ज़्यादा हो जाएगी तो आपका इंजन क्या करेगा, उड़ने लगेगा आसमान, आपका जो इंजन है वो उड़ जाएगा। आप बोल सकते हो कि आपका जो व्हील जो होते हैं वो पटरियों को छोड़ के ऊपर की ओर उठ जाएंगे, ठीक है, उड़ने लगेगा इंजन, ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द इंजन शो दैट द व्हील्स मस्ट नॉट बी लिफ्टेड ऑफ द रेल्स, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, समझ गए, यही मैंने जो मैंने बताया बस वही यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या था, वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स कितना था, वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, हालांकि ये तो जो मैंने पीछे पढ़ाया उसके हिसाब से लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम एम बी ओमेगा स्क्वायर, एम एम बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब साइन थीटा वन हो जाएगा तो हैमर ब्लो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ द मास प्रोवाइडेड टू बैलेंस द रेसिप्रोकेटिंग मास। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से जो अनबैलेंसिंग होती है उसको बैलेंस करने के लिए जो मास प्रोवाइड किया गया है बी डिस्टेंस पर, बी रेडियस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, हैमर ब्लो। ठीक है, तो हैमर ब्लो की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद नहीं रखना आपको, ये वाला फॉर्मूला याद रखना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, एम एम बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो जो मैक्सिमम हैमर ब्लो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा, जो मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स या हैमर ब्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हाई स्पीड इंजन की बात करेंगे ना तो ये एफ मैक्स जो मैक्सिमम या हैमर ब्लो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्क्वायर में वेरी करती है, बढ़ जाएगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि आपका इंजन जो है व्हील है वो लिफ्टेड हो जाएगा, मतलब आपका व्हील्स जो है रेल को छोड़ देंगे, पटरियों को छोड़ देंगे, क्योंकि हैमर ब्लो की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कि स्टैटिक लोड जो व्हील पर लग रहा है उससे भी ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपका इंजन उड़ने लगेगा हवा में। ठीक है, समझ गए, ओके, चलिए, और याद रखना है कि एमएम इज़ द मास टू बैलेंस रेसिप्रोकेटिंग मासेस ओनली, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो पहला क्या इफेक्ट होगा, पहला तो हैमर ब्लो देखने को मिला, किसकी वजह से, पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मासेस की पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से एक तो हैमर ब्लो देखने को मिला, दूसरा क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, दूसरा इफेक्ट देखने को मिलेगा वेरिएशन इन द ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, देखो ये पिस्टन सिलेंडर्स हैं, ये मैं बना दे रहा हूँ, दो सिलेंडर हैं, ठीक है, मान लिया ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये कनेक्ट, ये क्रैंक है आपकी, और यहाँ पर व्हील्स लगे हैं, पटरियों पे चल रहा है आपका व्हील। ठीक है, अब ये यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस पे, इसके बाद यहाँ पे व्हील कनेक्टेड होते हैं, ये इधर व्हील कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर गियर वगैरह लगा होता है तो ये यहाँ कनेक्टेड होगा और ये यहाँ कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल में अनबैलेंसिंग फोर्स होता है जिसको हमने क्या बोला है, शेकिंग फोर्स, इसको शेकिंग फोर्स तो बोला है, शेकिंग फोर्स बोला है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में अनबैलेंसिंग है, अब मान लिया आपके इंजन आगे की ओर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो गैसेस एक्सपेंड होके, तो गैसेस एक्सपेंड होने की वजह से पिस्टन क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, तो ये क्रैंक घूमेगी, क्रैंक घूमेगी तो व्हील्स भी घूमेंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जो पिस्टन के ऊपर नेट इफेक्टिव फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं द नेट इफेक्टिव फोर्स एग्जर्टिंग ऑन द पिस्टन टू मूव इट, टू मूव द व्हील्स, टू मूव द क्रैंकशाफ्ट, दैट इज कॉल्ड द पिस्टन इफेक्ट। पिस्टन पर जो भी फोर्स लगता है जिसकी वजह से आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या कि क्योंकि हमने बताया था कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंसिंग फोर्स अभी भी रह गया है,
एक अनबैलेंसिंग फोर्स जिसकी वैल्यू वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस थीटा थी। याद करिए जो अनबैलेंसिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रह गया था, क्या यही था? बिल्कुल यही था। अब होगा क्या कि कभी कभी तो वो इस डायरेक्शन में लग सकता है, वो थीटा पर डिपेंड करेगा, और कभी कभी इस डायरेक्शन में लग सकता है। कभी तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा अनबैलेंसिंग फोर्स, ठीक है, और कभी इस डायरेक्शन में लगेगा अनबैलेंसिंग फोर्स। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो होगा कि जब वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और मान लीजिए आपका पिस्टन भी इधर मूव कर रहा है, जब वो फोर्स इधर लग रहा है, कौन सा वाला अनबैलेंसिंग फोर्स, और पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस वाले केस में जो टोटल ट्रैक्टिव फोर्स है, जो नेट ट्रैक्टिव फोर्स है, वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और एक केस ऐसा हो सकता है कि जब आपका पिस्टन तो इधर मूव कर रहा है और जो अनबैलेंस फोर्स है वो इधर मूव कर रहा है, तो इस वाले केस में क्या होगा? पिस्टन फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है और ये राइट साइड में लग रहा है, कौन सा वाला अनबैलेंस फोर्स। तो इस वाले केस में जो नेट पिस्टन एफर्ट होगा वो घट जाएगा। नहीं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, पिस्टन पर लगने वाला नेट फोर्स है, वो वेरी हो रहा है और वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर, ठीक है। तो वेरी हो रहा है, उसी को हमने बोला है वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स। समझ गए? वही लिखा है मैंने जो मैंने समझाया, ठीक है। तो ए वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स एग्जर्टेड ऑन द पिस्टन ऑफ द इंजन अकर्स बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड पोर्शन ऑफ द प्राइमरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स का अनबैलेंस पोर्शन कितना रह गया था? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा। सर क्योंकि सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हमने बैलेंस कर दिया, तो कितना बचा? अगर अनबैलेंस टोटल था एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, उसका सी एम पार्ट, ठीक है, तो उसका सी एम पार्ट हमने बैलेंस कर दिया, तो कितना रह गया? 1 माइनस सी एम रह गया, ठीक है। 1 माइनस सी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर रह गया था, ये अनबैलेंस पोर्शन हो गया। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो पिस्टन पर जो नेट इफर्ट लग रहा है ना, वो पिस्टन पर जो नेट इफर्ट लग रहा है वो वेरी कर रहा है। कभी वो उसके साथ उसकी हेल्प करेगा पिस्टन को पुश करने में, कभी उसके साथ उसकी मतलब अपोजिटली एक्ट करेगा, विच एक्ट्स अलोंग द, अब वो एक्ट कहाँ करेगा? अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द लोकोमोटिव इंजन। जो लोकोमोटिव इंजन अभी मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से, तो ये लाइन ऑफ एक्शन होती थी, जिस डायरेक्शन में आपका पिस्टन मूव करता है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। पिस्टन इसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता है, जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन पे आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा उसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज कॉल्ड हाँ लाइन ऑफ एक्शन, प्लेन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन बोल दिया उसको। तो लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट करेगा लोकोमोटिव के, ठीक है। तो सिंस डायरेक्शन चेंजेस, तो एक बार डायरेक्शन इधर लगेगा और दूसरी बार इधर लगेगा, एक बार तो इधर लगेगा एक बार इधर लगेगा, जिस वजह से पिस्टन पर जो नेट इफर्ट लग रहा है, नेट इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, वो वेरी होता जा रहा है, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ लिख दिया अकर्स बिकॉज ऑफ द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स से डिपेंड करता है, ठीक है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स से डायरेक्टली डिपेंड करता है इसीलिए, ठीक है। और इसको हम इफर्ट बोलते हैं, वेरिएशन इन इफर्ट और पिस्टन इफर्ट और ट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या होता है तो पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने बोला कि सी फ्रैक्शन हमने पूरा बैलेंस नहीं किया, तो रेसिप्रोकेटिंग मास का केवल सी फ्रैक्शन जनरेट बैलेंस किया है, तो अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स कितना हो गया सिलेंडर, अगर मैंने आपको बताया था कि इसमें लोकोमोटिव में कितने इंजन सिलेंडर होते हैं? दो, ठीक है। तो अगर हम सिलेंडर वन की बात करेंगे तो उस पर अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दूसरे वाले पे कितना होगा? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। क्यों होगा 90 प्लस थीटा? क्योंकि इसकी जो क्रैंकशाफ्ट होती है और पहले वाले सिलेंडर की जो क्रैंकशाफ्ट होती है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बताया था अभी 90 डिग्री बताया था ना लास्ट लेक्चर में, इसीलिए इसमें 90 एडअप कर दिया है। माइनस भी कर सकते हैं, आप फ्री हैं, चाहे आप माइनस कर लीजिए या प्लस कर लीजिए, दोनों में आंसर सेम आना है। ओके तो पहले यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पे कॉस थीटा कर लो, इसको कॉस 90 माइनस थीटा कर लोगे तब भी सही है, और यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा करोगे तो तब भी सही होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमको पता है व्हाट वी नो वेरी वेल, दैट्स द कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 90 होता है, तो यहाँ थीटा चेंज हो, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है,
ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स कितना हो गया, सिलेंडर वन और सिलेंडर टू में दोनों में कंबाइंड करेंगे दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा और यहाँ बचेगा माइनस साइन थीटा। तो टोटल अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स या जिसको हम वेरिएशन इंट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हैं, वेरिएशन इंट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉस थीटा बचेगा, इसमें माइनस साइन थीटा बचेगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएशन इंट्रैक्टिव फोर्स हो गया वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, क्योंकि इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, इन्हीं से डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ओके चलिए, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे पूछ लिया जाए तो ये होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम, अगर कोई एंगल नहीं दिया तो आप मैक्सिमम निकालेंगे, अगर आपको किसी एंगल पे नहीं पूछा गया है देन इट इज़ योर ड्यूटी टू कैलकुलेट मैक्सिमम अन वेरिएशन इन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू वन होगी तभी तो ये मैक्सिमम होगा भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन होने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन अप्लाई कर देंगे, और तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है ना, तो मैक्सिमम मिनिमा किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उसको वेरिएबल की फॉर्म में, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके फॉर्म में, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके वैल्यू को ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो रखने के बाद आपको एंगल्स मिलेंगे 135 और 315 डिग्री, 135 डिग्री और 315 डिग्री। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, वो आप इसको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू दो मिल जाएंगी, 135 डिग्री मिलेगी एक तो, और एक मिलेगी 315 डिग्री। ठीक है, तो आप पहली बार अगर थीटा की वैल्यू 135 रखेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 135 माइनस साइन 135, कॉस 135 कितना होता है माइनस के 1/√2, और साइन 35 प्लस के 1/√2, अब क्योंकि पहले माइनस लगा है तो माइनस 1/√2, माइनस 1/√2, माइनस 1/√2, 2/√2, तो 2 को एक कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे √2 बचेगा, और ये माइनस के √2 निकलेगा यहाँ पे, माइनस का √2, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस √2 वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया मैक्सिमम वेरिएशन जब थीटा 135 लिया है। 315 लेके देख लेते हैं दूसरे बार में, तो जब 315 रखा तो 315 के क्वाड्रेंट में चला गया फोर्थ में, जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है जिसकी वैल्यू 1/√2, इसमें साइन नेगेटिव होता है तो माइनस के 1/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितना आ गया, 1/√2 वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस के 1/√2 वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का प्लस 1/√2 वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम वेरिएशन ऑन द अट्रैक्टिव और प्रेशनल इफर्ट, प्लस माइनस 1/√2 वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए, तो इतना याद हो गया। ठीक है, इतना आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, और तीसरा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इसका, दैट इज स्वेइंग कपल। स्वेइंग का मतलब होता है लहराना। स्विंग का मतलब क्या होता है, लहराना, आपका व्हीकल जो है वो लहराने लगेगा, इस तरीके से लहराने लगेगा, एक बार इधर कपल लगेगा, एक बार कपल इधर लगेगा, तो ऐसे लहराएगा, फिर एक बार इधर लगेगा, मतलब इस तरीके से लहराने लगेगा। आपने देखा होगा जब आपकी जो इंजन जो होता है काफ़ी तेज़ चलने लगती है तो वो व्हीकल लहराने लगता है, वही है। अब वो कैसे लहराने लगेगा वो देख लो, देखो ये सिलेंडर वन, अभी मैंने बताया था आपको, ये सिलेंडर टू, व्हील इधर होते हैं ये इधर होते हैं, ये क्रैंकशाफ्ट है आपकी, ये कनेक्टेड है, तो आपने देखा ये, क्योंकि ये सिलेंडर यहाँ पर है और दूसरा सिलेंडर यहाँ पर है, और ये दोनों सिलेंडर, ये तो सेंटर लाइन है बीच में, ये सेंटर लाइन है, अब ये दोनों सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस अगर एल है तो सेंटर लाइन और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाई टू। ठीक है, देखो ना इधर, इस पर देखो भाई, सिलेंडर वन, दो सिलेंडर होता है लोकोमोटिव में, तो इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक ये है, जैसे सिलेंडर टू, इसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक ये है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है,
पिस्टन इफेक्ट था। अब देखो वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये अनबैलेंस फोर्स होगा इसमें, और वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इस वाले में हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अभी मैंने समझाया था ना ऊपर किस तरीके से सिलेंडर बने होते हैं, और ये बीच में सेंटर लाइन है। अब मान लिया कि ये जो दोनों सिलेंडर की सेंटर, ये दोनों सिलेंडर हैं, इनकी लाइन ऑफ स्ट्रोक एल डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है। तो क्योंकि अगर ये सेंटर लाइन मानेंगे तो यहाँ पर एल बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर एल बाई टू हो गया, हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब अगर हम मोमेंट ले लेते हैं अबाउट दिस सेंटर लाइन, तो ये अनबैलेंसिंग फोर्स क्या करेगा, इधर लग रहा है जो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि इसका जो अनबैलेंसिंग फोर्स है इधर है, तो वो उसको इधर घुमाने की कोशिश, अगर इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। अरे होगा कि नहीं, अरे भाई ये सेंटर लाइन, ये फोर्स लग रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा है, और जब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपका इंजन क्या करेगा, आपका इंजन ऐसे झूला झूलने लगेगा कि नहीं, आगे की ओर ऐसे करके, ये इधर और ये इधर झूलने लगेगा। लेकिन जब ये घूम के इधर जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, जब ये बैक साइड में जाएगा लौट के आएगा तो ये इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा, तो इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा और ये वाला क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा। इन फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, थीटा पर डिपेंड करेगा ना। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब ये अंदर की ओर लगेंगे, जिस तरीके से वेरिएशन इन अट्रैक्टिव फोर्स था उसी तरीके से, क्योंकि एक बार मैंने बोला था कि इस तरफ लगेगा और एक बार इधर लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स में वेरिएशन है। अब हुआ कि एक बार तो ये इधर लगेगा और एक बार इधर लगेगा, इसी तरीके से एक बार इधर लगेगा एक बार इधर लगेगा, लगेगा नहीं। अब मान लिया ये वाला इधर लग रहा है, ठीक है, ये वाला इधर लग रहा है और ये वाला इधर लग रहा है, तो एक तो क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा, ठीक है। तो एक बार ये ऐसे इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरे वाले केस में क्या होगा, ये इसको ऐसे और ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ऊपर वाले कपल की वजह से। तो जिस वजह से आपका इंजन लहराने लगेगा, इंजन क्या करेगा, लहराने लगेगा। तो वही मैंने बताया है, अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स लगते हैं, आउट्स कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, ये कपल बना रहे हैं ना अबाउट दिस सेंटर लाइन, अगर सेंटर लाइन को छोड़ो तो इनके बीच की डिस्टेंस है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन इक्वल है लेकिन अपोजिट है ना। अगर इसको देखोगे तो माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू देखेंगे, वैल्यू बराबर रहेगी, ये इधर चला जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा, तो जब टू सिलेंडर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस देन दे विल फॉर्म ए कपल दैट इज कॉल्ड स्वेइंग कपल। इस कपल की वजह से क्या होगा, दिस कपल टेंड्स टू मेक द लीडिंग व्हील्स स्वे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो ये वाले व्हील इधर वाले की ओर मूव करेंगे और ये वाले व्हील इधर वाले व्हील की ओर मूव करेंगे, जिसको हम स्वेइंग कपल बोलेंगे, ठीक है। अरे आप लोगों ने देखा होगा कि झूला झूलते हैं ना, झूला तो झूला होगा ना, तो स्वेइंग बोलते हैं उसको, झूला झूलने को भी स्विंग। तो वैसे ही जैसे आप लहराते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, वैसा ही इस इंजन के साथ, इंजन के साथ होने लगेगा, जो भी आपका अभी लोकोमोटिव है उसके साथ होने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि 90 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 90 डिग्री क्रैंक के बीच का एंगल होता है दोनों के क्रैंकशाफ्ट के बीच का, ठीक है। अब स्विंग कपल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स ये और एल बाई टू डिस्टेंस पे लगेगा, क्लॉकवाइज ले लेंगे इसको, पॉजिटिव मान लेंगे, और इस वाले में ये वाला फोर्स और ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तो माइनस वन माइनस सी एम आर ओमेगा कॉस थीटा और ये एल बाई टू लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा बिल्कुल जैसे यहाँ पर लगा, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर दोनों में है एल बाई टू और ये कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस के साइन थीटा यहाँ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस वाले में वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, ठीक है, दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसकी वैल्यू वन, तो इसको डिफरेंशिएट या मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। तो इसके लिए जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके करने के बाद हमें थीटा की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 45 डिग्री एक 225 डिग्री, ठीक है। तो जब 45 रखेंगे इसमें तो हमें एक ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब 225 रखेंगे पहली बार में, इसमें 45 रखा
तो अलग वैल्यू मिलेगी, सॉरी वन अपॉन रूट टू हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर वन माइनस सी इंटू एल, और जब इसकी वैल्यू वो 225 रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो मैक्सिमम स्विंग कपल की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ तक रहने देते हैं, और इसका एक न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये स्विंग कपल ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, इसका न्यूमेरिकल बड़ा है, इसको सॉल्व करने में एक लेक्चर पूरा जाएगा, इसको सॉल्व करने में पूरा एक लेक्चर जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, और जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो आपके माइंड में होना चाहिए, अगर भूल जाओगे तो नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके देखना है आपको, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू सॉल्व इट केयरफुली बाय जस्ट यूजिंग पेन एंड पेपर, पेन पेपर को यूज़ करके आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए स्विंग कपल क्या होता है। तो अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिला है, एक तो हमें हैमर ब्लो मिला है, स्विंग कपल मिला है, और वेरिएशन इन अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, गुड नाइट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है देन लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड द शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।